निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंगरी इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है इनकी सभी उपरुक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की महान सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है Praise the Lord, Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो हालेलुया Hope you are all fine. और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है एंडस मेडिटेट हाउ द लॉर्ड टेल्स अबाउट लाइफ आइए इस समय में हम मनन करेंगे जब प्रभु कैसे अपने जीवन के विषय में बताता है इस विषय पर इन जॉन्स गॉस्पल योना केसु समाचार में डिक्ल दैट ही इम्सर्व इज द गुड शपर वो यहाँ पे घोषित करता है कि वह एक अच्छा चरवाहा है जॉन टेन लेवन योना अध्याय दस वचन ग्यारह सो ही इज द गुड वह एक अच्छा चरवाहा है देन इन वर्स सेवेंटीन और वचन सत्रह में ही इज टेलिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ विच मैनोट बी लाइक्ड बाय मेनी पीपल और वहां पे वो एक ऐसे महत्वपूर्ण सत्य के विषय में बताता है भले ही कई लोग उसको पसंद ना करें एंड मेरी पीपल थिंक दैट जीसस वाज क्रूसीफाइड कई लोग ऐसा विचार करते हैं यीशु क्रूस पर मरा इट इज द एफर्ट ऑफ रोमांस इट इज द एफर्ट ऑफ रिलीजियस लीडर्स ऑफ दोज डेज हु क्रूसीफाइड जीसस और वे ऐसा विचार करते हैं ये तो रोमी ने अपनी ताकत से या शास्त्री फरीसी ने अपनी ताकत से यीशु को क्रूस पर मारा बट बे टेंटीन वेरी क्लियर वेरी अरे रे स्टेटमेंट लेकिन मेरे प्रियो जब हम योना उसके 10 और 17 hmm. वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें हम एक अद्भुत प्रकाशन को देखने को मिलता है इट सेज फॉर माय फादर लव्स मी एंड बिकॉज आई लेड ऑन माय लाइफ दैट आई मे टेक इट अगेन पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं यू नो फादर्स लव इज डेफिनेटली आई लव विच इज ग्रेटर एंड सुप्रेम और पिता का प्रेम निश्चित ही एक बड़ा प्रेम है और एक अनोखा प्रेम है And because Father loves him, Jesus also knows the mission why he came into this world. कि so, therefore, my Father loves me because इस... I lay down my life that I may make it. और टेक इट अगेन इसलिए वो कहता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लू वाई डिट जीसस कम इन टू दिस वर्ल्ड यशु इस संसार में क्यों आया टू ओबे फादर टू फुलफिल द कंडीशन एंड लविंग कंडीशन विच इज Laid by his father. अपने पिता की उस आज्ञा को पूरी करने के लिए जो उसने अपने बेटे को प्रेम करते हुए दिया था अठारह में नो वन टेक्स इट फ्रॉम मी बट आई लेट डाउन ऑफ माइ सेल्फ आई अगेन दिस कमांड आई हैव रिसीव फ्रॉम माई फादर कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरण मैं उसे आप ही देता हूँ मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है his ले कौन अपना जीवन दे सकता है हु कैन टेक इट बैक कौन अपना जीवन वापस फिर ले सकता है नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दिस कोई भी मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता इट इज ओनली गॉड हु कैन ले हिज लाइफ एंड देन ही आल्सो कैन टेक बैक हिज लाइफ केवल परमेश्वर ही अपने जीवन को दे सकता है और वापस ले सकता है मैनी थिंग दैट जीसस इज जस्ट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कुछ लोगों के लिए तो यीशु सिर्फ एक साधारण मनुष्य ही है बट बेट जीसस इज द वन हु कैन हुन लाइफ एंड देन हु कैन टेक बैक हिज लाइफ लाइक गॉड इक्वल टू गॉड लेकिन मेरे प्रियो यीशु वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की नाई अपने जीवन को दे भी सकता है और उसे वापस भी ले सकता है। What a great truth we have in this gospel। और इस समाचार में हमारे लिए कितना बड़ा सत्य प्रकट किया गया है। That is the reason in 10th um, uh, chapter verse 30 he says I and my father are one। यही कारण है कि यहाँ ना 10 अध्याय के वचन में वो कहता है कि मैं और मेरा पिता एक है ही Jesus इज नॉट लेसर देन his फादर और uh, यीशु अपने पिता से कम नहीं है इवन होल स्पिरिट इज नॉट लेसर देन बोथ ऑफ देम यहां तक कि पवित्र आत्मा भी उन दोनों से आ, नीचा या अलग नहीं है फादर सन एंड होल स्पिरिट और इक्वल एंड देन देल और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अस्तित्व एक सा है और वह अनंत कालिक है दिस इज दुथ वी लर्न इन दिस चैप्टर एंड द होल गॉस्पेल ऑफ जॉन emphasizes on the divinity of Jesus Christ. और इस अध्याय में हम इसी सच्चाई के विषय में सीखते हैं और यीशु मसीह का जो दैत्वत्व है उसके विषय में हम सीखते हैं. First three gospel speaks about the humanity of Jesus. और पहले जो तीन सुसमाचार है वो यीशु के मनुष्य होने के विषय में बात करते हैं. But fourth gospel speaks about the divinity of Jesus Christ. लेकिन जो चौथा सुसमाचार है वो यीशु परमेश्वर है इसके विषय में बात करता है सो द इक्वल पावर एज फादर इज हैविंग सन इज also हैविंग और जिस प्रकार पिता के पास सामर्थ्य उसी प्रकार यीशु के पास भी जो पुत्र है सामर्थ है बिलावर्ड इन द होल बाइबल वे सी और इफ वे सी बोथ फादर सन एंड द होली गॉड इसलिए मेरे प्रियो जब हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देखते हैं और जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जब हम देखते हैं And the father was ruling and leading the whole uh, Israel in the Old Testament. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि पिता पूरे इज़राइल की अगुवाई कर रहा है इन द फोर्थ गॉस्पल्स वी रीड दैट जीसस बिकम्स द प्रोमनेंट और फिर हम इन चारों सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु उस कार्य को कर रहा है देन नॉट ओनली दैट इन द द एक्ट्स ऑफ पर्सन वी सी दैट द होली स्पिरिट टेक्स कंट्रोल ऑफ द नहीं पवित्र आत्मा प्रेरित के काम के बाद हम देखते हैं कि पूरी कलिसिया की वो अगुवाई कर रहा है ओल्डमेंट देर वेड पीपल अरे द फर ऑफ गॉड और पिता के समय में मुर्दे लोग जिंदा किए गए इन द टाइम ऑफ सन इन द गॉस्पल

इन तीनों को अलग नहीं करता है ये कहते हुए कि वे एक दूसरे से अलग है फादर एंड सन एंड द होल स्पिरिट ऑल द थ्री पर्सन ऑफ ट्रिनिटी और को इक्वल को इटरनल एंड देन को एग्जिस्टेंट और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है वो सदा से अस्तित्व में है और वे सदा रहेंगे अबाउट आर रिडम्शनल वर्क इट्स अ ओल्डेस्ट स्पोक अबाउट आर रिडम्शन और हमारे छुटकारे के कार्य के विषय में पुराने नियम भी बात करता है एंड ओल्डमेंट प्रोफेसिड अबाउट एंड क्राइस्ट सफरिंग और पुराने मसीह और उसके दुख उठाए जाने के विषय में भी भविष्यवाणियां की गई है Gospels, और सुसमाचार में इस कार्य को व्यवहारिक रूप से देखते है so और जब भविष्यवाणिया पुराने नियम में की गई थी वो नए नियम में हमें पूरी होती हुई दिखती है of of और उसकी शुरुआत और शुरुआतों के काम से होते हुए अभी तक जारी है एंड गॉड द बींग्रॉडिन पावर ऑफ गॉड और अभी भी परमेश्वर जो है साधारण लोगों को अपनी अलौकिक सामर्थ्य देख उनका उपयोग कर रहा है You may be, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो in the work of redemption, छुटकारे के काम में it is not only Jesus who is involved, it is the Father, Son and the Holy रिग वहाँ पे केवल यीशु के ही कार्य नहीं है लेकिन वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का समावेश है दे आर द को इक्वल्स को पावरफुल एंड कोएग्जिस्टेंट और वे एक वो तीनों एक समान है वे तीनों सामर्थ्य है और वो तीनों अस्तित्व में है यस एज़ ए ह्यूमन बीइंग ही वाज बोर्न थ्रू एवर्जेंस ओम अवश्य है कि एक मनुष्य के रूप में उसने एक स्त्री के गर्भ में धारण किया बट एज गॉड ही होल वर्ल्ड लेकिन एक परमेश्वर होने के नाते सृष्टि के आरंभ से ही वो अस्तित्व में है आपकी उत्पत्ति और मेरी उत्पत्ति से पहले ही वो अस्तित्व में है नो क्रिएशन वॉज क्रिएटेड थ्री ऑफर देश और जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था तब से ये तीनों अस्तित्व में है सो They were there even from the existence of Uh, the non thing. और जो बातें नहीं थी उस समय थार एंड एवरी एवरी टाइम एट दस इक्वल टाइम और उस समय में वे समान रूप से वहां पे उपस्थित थे और उनका अस्तित्व था so,

इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन ट्रिनिटी और हम इस त्रियता में पाए जाने वाली एकता और समानता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते द बाइबल like कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या बाइबल में त्रिय ऐसा कोई शब्द है क्या दादा दैट इज ए गुड क्वेश्चन ये सचमुच में एक अच्छा प्रश्न है बाइबल no no लेकिन बाइबल में त्रिएकता ऐसा कोई शब्द हमें दिखाई नहीं देता बट लेकिन इट इज प्रेजेंट देयर थ्री पर्संस प्रेजेंट इन द बाइबल एंड दे वर वर्किंग टुगेदर विद कोऑपरेशन विद यूनिटी लेकिन हमें बाइबल में उनका अस्तित्व दिखाई देता है उन तीनों का अस्तित्व दिखाई देता है जो आरंभ से पाया जाता है हर बात के निर्माण करने के लिए एंड देयर नॉट वन इज हायर एंड अदर इज लोअर और उनमे से कोई छोटा या बड़ा ऐसा नगी है इट इन जॉन्स ग इस बात को यौना का सुसमाचार हमें बताता है सेवेंटींथ चैप्टर उसका अध्याय सत्रह वर्ष ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू और उसका इक्कीस और बाइस वचन इट इज दट दे ऑल मे बी वन एज यू फादर और इन मी एंड आई इन यू कि वे सब एक हो जैसा तू गे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं दैट दे ऑल्सो में बी वन इन दैट द वर्ल्ड में बिलीव दैट यू सेंट मी वैसे ही वे भी हम में हो जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है एंड यू गेव मी आई हैव गिवन देम दैट दे मे बी वन जस्ट एज वी आर वन वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है अगेन हियर देर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी और यहाँ पे फिर एक बार हमें उस एकता में समानता दिखाई देती है इसका अर्थ क्या father है? फादर एंड सन आर वन पिता और पुत्र एक है एंड फादर एंड सन एंड इज भी एक है सो ऑल दिस थ्री एंटिटीज आर टुगेदर और हम देखते हैं ये तीन अलग अलग एक साथ है वंडरफुल दैट इज द ग्रेट रिवीलेशन सच मुझ में ये बहुत ही अद्भुत ऐसा प्रकाशन है यू नो दैट इज व्हाई इन द चर्च हिस्ट्री इसलिए कलीसिया के इतिहास में स्ट्रगलिंग टू ट्रिनिटी जो प्राचीन लोग थे इस शब्द को समझने में उलझन में थे उन्होंने चार ऐसी सदी को बिता दिया इस बात को समझने के लिए इन फोर्थ सेंचुरी इट वॉज कॉइंड चैंपियन ऑफ आवर फेथ और चौथी शताब्दी में आ, इसके विषय में हमारे विश्वास के जो करता है उन्होंने उसको प्रकट किया अथेनियस वाज वन ऑफ द फादर्स ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस दिस वर्ड और ओथेनियस करके एक ऐसे विश्वास के करता हुए जिन्होंने इस शब्द को खोजा एंड द स्ट्रगल फॉर फोर सेंचुरीज definitely fulfilled in this word trinity though it may not be there as a word but the concept is there throughout the scripture भले ही इन चार सदियों में त्रियकता इस शब्द की खोज में उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया भले ही चौथी शताब्दी में हमें ये शब्द तो नहीं मिला लेकिन इस शब्द का अर्थ हमें प्राप्त हुआ वे, में एक है। वे अस्तित्व में एक है देवर इक्वल इन एटर्निटी और वे अनंत काल तक एक है एंड देन देव मेड परफेक्ट यूनिट ने

अपने आप की बढ़ाई करने की कोशिश नहीं की कि ये बताते हुए कि उसने कुछ अलग किया या उसने कुछ अलग किया या उसने कुछ अलग किया, कुछ अलग किया। लेकिन जब पिता ने कुछ किया तो पुत्र ने भी वही किया और जो पुत्र ने किया वही पवित्र आत्मा ने भी किया रिवीलेशन वी हैव कितना अद्भुत ऐसा प्रकाशन हमारे पास है Shall we commit ourselves right into His perfect will? क्या हम इस समय में उसकी सिद्ध इच्छा में अपने आप को समर्पित करें से लॉर्ड आवर रीजन मे नॉट अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट भले हम प्रभु से कहे प्रभु हो सकता है कि हमारे मन की जो विचार है इस अवधारणा को ना समझने पाए बट यू यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विच यू हैव In the is great. लेकिन आपके वचन में पाए जाने वाली आपकी एकता और समानता वो महान है आपकी महिमा के लिए उसे स्वीकार करते continue हैं लगातार प्रभु हमारी अगुवाई कर और हमारे द्वारा अपनी महिमा ले, ले। grace और आपका अनुग्रह हम पर सदा बना रहे वी आर डिफरेंट में क्यूँकी हम परिवार में अलग 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 सदस्य है बट यू वी हैव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी राइट विद इन द फैमिली लेकिन परिवार में हम एक भी है और हमें अलग अलग समानताएं भी पाई जाती है we, we, we भले ही हमें हम विभिन्नताए पाई जाती है downs, हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव भी है बट वी आर यूनाइटेड इन द नेम ऑफ क्राइस्ट एंड वी आर वन इन द फैमिली और हम मसीह में एक है और हम परिवार में एक सदस्य भी है प्रभु आपने जो परिवार में और समाज में इस सत्य को बरकरार करके रखा है प्रभु इसे स्वीकार करने के लिए आप हमारी सहायता करे वी हैच ऑफ डाइवर्सिटी इन द होल यूनिवर्स प्रभु पूरे ब्रह्मांड में हमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं बड़े पैमाने पे दिखाई देती है बट वी एट द सेम टाइम थैंक गॉड फॉर द यूनिटी विच दे है लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्यूँकी परमेश्वर जो त्रियक परमेश्वर है उसमें हमें समानता दिखाई देती है so, let us close our eyes. आए इस समय में अपनी आंखों को बंद करे लेट इज कम्प्लीटली कमिट आवर लाइफ टू द लॉस सम्पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में अपना जीवन समर्पित करे लेट इज प्रे बिफोर गॉड हम परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करें फादर भी थैंक यू फॉर दिस डे पिता आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू फॉर यूर ग्रेसियस एंड लीडिंग आपके अनुग्रह हाथ के लिए धन्यवाद जो हमारी अगुवाई कर रहा है फिर एक बार प्रभु जी इस समय के लिए आपने ये विशेष संदेश हमें दिया है कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई ग्लोरिफाई लगातार अपने नाम की महिमा ले ले इट इज नॉट समूसीफाइंग यू बट इट इज डेफिनेटली यू लेड यूर लाइफ प्रभु जी, निश्चित रूप से किसी ने आपको क्रूस पर नहीं चढ़ाया लेकिन आपने स्वयं अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया death, oh और आपने उस जीवन को तीसरे दिन फिर वापस ले लिया और इस प्रकार से आपने मृत्यु के ऊपर में जय प्राप्त की हम सभी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं तेरी महिमा हो प्रभु जी वो तेरे पर चले लीडर्स फॉर योर ग्लोरी तेरी महिमा के लिए सबकी अगुवाई जो कोई इस समय में तेरी वाणी को सुन रहा है उन्हें छू ले। प्रभु से उनसे बोल और बातचीत कर। उनकी आत्मिक आंखों को खोल ताकि तेरे वचन का प्रकाश उन पर पड़े बाइंड ऑल दिडर के नाम से सारी रुकावटों को आप दूर करें ग्लोरीफाई हमारे जीवन में हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को ले राइट ले। नाम right इसी समय में आपका नाम महिमा पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप उनको स्पर्श प्रेयर ऑफ फादर यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता हमेन आमेन हलो हालेलुया हालेलुया प्रियो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह दस बजे से साढ़े दस के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानयम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं महानयम सेवक तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंगरी इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है इन इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते, कर संपर्क कर सकते। उसी प्रकार दिए गए क्यू आर कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आस्थी आशीष थी धन्यवाद